हाँ तो पठान भाई और अफगानिस्तान वालों सूझी है क्या है ना कि अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने पील दिया। बंगाली ब्रदर लव यू, लव फ्रॉम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान मैच की। और अफगानिस्तान ने जी पीछे जो वनडे मैचेस हुए बांग्लादेश के साथ, उसमें जी बहुत ज़्यादा ठीक है गुरूर जो है उनमें आ गया था, एरोगेंस आ गया था, और उनका कहना था कि लो जी हमने बांग्लादेश की कैसी धुलाई की है। लेकिन यहाँ पे जब T20 की बात आई तो बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को ऐसी धूल चटाई है, ऐसा मज़ा चखाया है कि अफगानिस्तान की टीम जो है अब कभी इस तकब्बुर का शिकार नहीं होगी। अफगानिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश से खुद को बहुत ज़्यादा हाई लेवल की टीम समझ रही थी, और उनको लग रहा था कि यार हम बांग्लादेश को जी बीट कर चुके हैं, तो अब आगे के मैचेस जो हैं वो भी हमारे नाम ही होंगे, और बांग्लादेश क्या है हमारे आगे, हम तो बहुत ही यार अहम किस्म की टीम है और हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये जी गलत फहमी हो गई थी अफगानिस्तान की टीम को, और अब ये गलत फहमी बांग्लादेश टाइगर्स ने, बंगाल टाइगर्स ने दूर कर दी है। और उनकी जो रस्सी के बल थे ना, वो ऐसे निकाले हैं कि अफगानियों की जो अकल है वो ठिकाने आ गई है। अब यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानी जब भी हार जाते हैं तो उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है उसका इजहार किया जाता है। जो अफगानी प्लेयर्स हैं, अफगानिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं, वो इतना ज़्यादा रिएक्शन दिखाते हैं कि हर एक चीज़ को बाकायदा कैप्चर किया जा रहा होता है। लाइक इंटरनेशनल मीडिया भी इस हवाले से काफ़ी जो है इनको क्रिटिसाइज़ करता है, और साथ ही जो अफगानिस्तान टीम के जो फैंस हैं वो भी इसी टाइप का जो उनका ठीक है बिहेवियर होता है जब भी वो मैच हार जाते हैं। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पाकिस्तान मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान का जी मजाक उड़ाया जा रहा है, और बांग्लादेश के बंगाल के टाइगर्स जो हैं, बांग्लादेश टीम के टाइगर्स जो हैं उनको जी यार बहुत ज़्यादा दाद दी जा रही है कि जिस तरह शकीब उल हसन और तस्कीन ने इतनी सारी जो विकेट्स हैं वो ली हैं दोनों ने, और अहम किस्म के प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे प्रूफ हुए हैं। वेल यहाँ पे बांग्लादेश की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कमाल के रहे, और सारा का सारा मैच जो है बांग्लादेश ने लूट लिया और उसे अपने नाम कर लिया। वेल अभी पहले मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर करूँगी पाकिस्तान मीडिया की जानिब से किस तरह यार इंसल्ट की जा रही है अफगानिस्तान की। और अगर कभी भी मैच होता है बांग्लादेश के किसी टीम के साथ तो पाकिस्तानी जो है हमेशा बांग्लादेश के साथ स्टैंड करते हैं। अब यहाँ जी अफगानिस्तान के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे, और बांग्लादेश के हवाले से क्या बातें हो रही है। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी है आखिर तक। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जी लाजमी लाइक किया करें, आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो समय पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। हाँ तो पठान भाई और अफगानिस्तान वालों सूझी है क्या है ना कि अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने पील दिया। बंगाली ब्रदर लव यू, लव फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना भाई को, सपोर्ट भी करते जाना जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, ताकि मैं इन अफगानियों की क्लास ले सकूं। ये पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं और इंडिया को अपना फादर मानते हैं। तो अफगानिस्तान वालों सूझी है। अच्छा, बड़ा उछल रहे थे कि बांग्लादेश को हमने सीरीज मार दी वनडे की, उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने T20 में उनको बता दिया कि बेटा तुम्हारी यही औकात है। बांग्लादेश ने दोनों ही T20 में जीत के सीरीज जीत ली है। और जो वनडे सीरीज जो जीती थी अफगानिस्तान की टीम ने, जो उछल रहे थे ना अफगानी तुम, वो जो तुम्हारे दूसरे वनडे में जो दो तुम्हारे टर्की प्लेयर बन चल गए ना, जिन्होंने सेंचुरियाँ बना दी, बस वही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट था, उनकी वजह से ही मैच जीत गए। वरना अगर उनमें से कोई एक भी आउट हो जाता तो बांग्लादेश वो मैच जीत जाती, क्योंकि उनके आउट होने के बाद जो तुम्हारे दूसरे सस्ते प्लेयर आए थे, किसी ने 30 रन भी नहीं बनाए, 20-10 बना के आउट होते गए।
टारगेट थोड़ा ओपनर्स की वजह से बड़ा बन गया और बांग्लादेश की टीम मैच हार गई, यानी कि सीरीज हार गई। फिर तीसरे वनडे में पता है क्या हुआ था, अफगानिस्तान को बता दिया था कि यह है तुम्हारी औकात, 150 रन भी नहीं बनाने दिए अफगानिस्तान को बंगाल टाइगर ने। फिर पहला टी ट्वेंटी मैच जीता, फिर दूसरा टी ट्वेंटी मैच जीता, उससे पहले पहला टेस्ट मैच जीता। तो सीरीज में तुम लोगों ने कितने मैच जीते हैं बताओ ये मुझे, हैं 3 वनडे 5 ट्वेंटी और एक टेस्ट मैच था, तो कितने मैच तुम लोगों ने जीते? 2 मैच। और बांग्लादेश ने कितने जीते? 4 मैच। यह है तुम्हारी औकात। तो और दूसरी बात एक और समझ में नहीं आई, जब अफगानिस्तान हारता है मैच तो इंडिया वाले रोते हैं, जब इंडिया रोता है, इंडिया हारता है तो अफगानिस्तान वाले रोते हैं। कितना ही ना अच्छा प्यार है इन दोनों बाप बेटों में, इनका ये प्यार देखकर मेरे आंखों में से पानी नहीं आ रहा। चलो बांग्लादेश से वनडे सीरीज जीत ली, चलो जीत ली, किसी बड़ी टीम से कौन सी वनडे सीरीज जीती है बताओ, किसी बड़ी टीम से कौन सी टी ट्वेंटी सीरीज जीती है बताओ तुम लोग, हैं? लीगों में खेलने वाले प्लेयर, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड टीम से जीतने वाले बैट्समैन, जीतने वाली टीम, और जब जीत जाते हैं किसी छोटी टीम से तो ये पता नहीं क्या खुद को समझ रहे होते हैं। true, yeah. हमारे जैसा कोई नहीं, हम क्रिकेट के ये हो गए वो हो गए, जुम्मा 8 दिन हुए हैं तुम लोगों को क्रिकेट में आए हुए। पहला वर्ल्ड कप तुम लोगों ने वनडे वर्ल्ड कप खेला 2015 में, और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप तुम लोगों ने पहला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेला 2014 में, उससे पहले तो पता ही नहीं था तुम लोग कहाँ थे। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, ठीक है, उससे पहले कितने चैंपियंस ट्रॉफी तुम लोगों ने खेले हैं मुझे बताओ, एक भी नहीं। किसी इवेंट में तुम लोगों को जगह नहीं मिलती, हैं? पहला एशिया कप तुम लोगों ने खेला था 2014 में, उससे पहले तो तुम लोग एशिया कप में भी नज़र नहीं आते थे। जब 2014 में अफगानिस्तान की टीम एशिया कप में आई और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में आई, हम खुद हैरान हो गए, भाई ये सस्ते लोग कहाँ से आ गए। और हमें पता था ये सस्ते और हल्के लोग जब आगे आएंगे ना क्रिकेट में, थोड़ा नाम कमाएंगे, तो ये खुद को बादशाह मानेंगे, खुद को बाप मानेंगे कि हम क्रिकेट के बाप हैं। जबकि बेटा तुम्हारे जो क्रिकेटर हैं ना, उनके और तुम्हारी टीम के पुराने रिकॉर्ड उठा लो रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ तुम्हारे रिकॉर्ड हैं और लीगों में तुम्हारे रिकॉर्ड हैं, और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, और कुछ भी नहीं है, बस क्रिकेट का बल्ला क्या उठा लिया पता नहीं। ऐसे गंदे लोग ऐसे हमने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों के प्लेयर्स को भी इतना घमंड नहीं है जितना घमंड इन सस्ते लोगों को है, जितना घमंड इन अफगानियों को है। वीडियो आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे जी काफी खरी खरी सुनाई है इस पाकिस्तानी लड़के ने अफगानियों को, और अफगानी किस तरह इंडिया की हार पे रोते हैं और इंडिया की जीत पे खुश होते हैं, और जिस तरह वो उनकी यार बहुत ज़्यादा चाकरी करते हुए नज़र आते हैं। तो इस चीज़ से यार बहुत अच्छा इन्होंने इसको जो है रोस्ट किया है, क्योंकि हमेशा जो अफगानी हैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रॉल करते हैं, लाइक कहीं भी अगर ये गलती से मैच जीत जाते हैं तो इनका ये कहना होता है कि यार हमसे बड़ी टीम तो कोई है ही नहीं है, और इनके कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है वो बहुत ही ऊपर चला जाता है और इनका दिमाग टोटली ख़राब हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने काफ़ी अच्छे अल्फाज में बयान किया कि 2015 में जी इन्होंने आए और इन्होंने फिर फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला, और जी अभी ये नई नई टीम है और ये अपने आप को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है समझते हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने इनको बता दिया, दिखा दिया कि बंगाल टाइगर्स का तुम मुकाबला नहीं कर सकते, तुम टाइगर होगे तो अपने मुल्क के अंदर होगे और इंडिया के सामने तुम्हारी कोई चलती नहीं है, और तुम इंडिया के जो हो ठीक है एक तरह के वो डॉगी होता है ना वो बने हुए हो। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने बेसी जो है अफगानिस्तान की है, काफ़ी अच्छी रोस्टिंग की है। वेल यहाँ पे एक दफ़ा फिर बांग्लादेश को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बांग्लादेश की टीम ने कमाल कर दिया, कमाल का गेम जो है वो खेला है। और आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को जी आप लोग लाजमी लाइक करें, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप है, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।